राम राम जी सारे ने HSSC टारगेट यूट्यूब चैनल पर सारे का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जो अभी अभी मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है कल रखा 23 सितंबर वाला, इसके हम सॉल्यूशन देखेंगे और इसके अंदर विशेष तौर पर हरियाणा जीके के ही सॉल्यूशन देखेंगे और जो जिनके 100% बिल्कुल राइट आंसर दिए गए हैं जो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे वो बिल्कुल राइट पूरे शोध के साथ आंसर बताए जाएंगे। और फिर भी एक आधा प्रश्न कोई रह जाए भाई, क्वेश्चन पेपर में लिखण में ध्यान नहीं रहा है तो नीचे कमेंट करके पूछ लो भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब ठोक दियो सांदाली की आंसर की देखने खातर। हरियाणा में मटके खालिस्तान पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, यह है पहला प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्कर। वो चक्कर को नहीं होता, उस चक्कर के ऊपर प्रयोग करके, चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके मटके बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? जो अरावली की जो पहाड़ी हैं, अरावली की पहाड़ी पर देखो है कि अरावली की पहाड़ी हैं दक्षिण हरियाणा में, तो अरावली की पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेवात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? कौन सा स्थान है हरियाणा में जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब औसत वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंबाला जिला। ये उड़ना से ना उसी वाले की पहाड़ियाँ कहानी जाए तो इस पर सारे में घनी वर्षा हो है। अगला प्रश्न है, फाग नृत्य खालिस्तान माह में किया जाता है? फाग नृत्य कौन सा महीना में किया जाता है? चार ऑप्शन थे, पुष वाष्प और ज्येष्ठ वैसाख और फाल्गुन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाल्गुन वाले महीने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है? जो ये बो रखे हैं दामना, ऑप्शन नंबर बी चावल। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल क्या है? चावल। और अगर अरसान जाड़ा में अगर रबी की फसल पूछ ले वह तो गेहूँ बता दियो भाई, गेहूँ है मुख्य रबी की फसल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चावल। अगला प्रश्न है, हर्षचरित खालिस्तान द्वारा लिखा गया? हर्षचरित मतलब एक वो है के बोले अगर ग्रंथ का अंत होगा जो किसने लिखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था उसने लिखा है हर्षचरित। अगला प्रश्न है, हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित हुआ? हिसार में कौन से साल में स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाइयों ऑप्शन नंबर बी, 1986 में स्थापित हुआ था हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में। ठीक है, अरसू अरसावर अरे यो भी हिसार में ऐसा सांदड़ा पूछ ले हो तो। ठीक से, अगला प्रश्न है, हरियाणा के यमुना नगर को और भी कहा जाता है? और भी का मतलब है और क्या कहा जाता है यमुना नगर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कागज का शहर कहा जाता है। ठीक है, यमुना नगर को। अगला प्रश्न है, चरखी दादरी जिला वर्ष खालिस्तान में बना? एक ऑप्शन तो दिया है दिसंबर 2014, नीचे दे रखे दिसंबर 2013, दिसंबर 2015, दिसंबर 2016। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 2016। मेवात मूत पूछ ले यानी नू वो बनाया था 2005 पूछ में बनाया था शायद। ठीक है, पलवल पलवल 2007 में बनाया था। अगला, हरियाणा का प्रथम गवर्नर था? यो भाई कन्फ्यूज करने वाला प्रश्न है, गवर्नर किसको बोलते हैं? राज्यपाल को ही गवर्नर बोलते हैं। हरियाणा का प्रथम जो राज्यपाल है वही गवर्नर है। हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था? श्री धर्मवीर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचकुला आईटी पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ना ऑप्शन नंबर ए, 2008 में हुई थी, बी नहीं भाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पंचकुला आईटी पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2008 में। ठीक है, ये थे तारे देखो इतने के ऑप्शन थे भाई, ये थे तारे प्रश्न। और भी कोई सा रह रहा तो नीचे कमेंट करके पूछ लियो भाई, वो प्रश्न रह गया इसका क्या आंसर है, आंसर बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, चैनल ती सब्सक्राइब जरूर ठोक दियो, सामने वाले प्रश्न की भी आंसर की गेट जाएंगे। सहराती राम राम, जय हिंद जय भारत।